जय हिंद एवरीवन। तो यह वीडियो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जो भाई लोग आर्मी की पहली भर्ती देना चाहते हैं या पहले भर्ती क्लियर करके आ चुके हैं, तो उन सभी भाइयों के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो लास्ट तक पूरा देखिए। और आर्मी के नाम पे धंधा बहुत ही ज्यादा चल रहा है, तो आप लोगों में कुछ दिखाना भी चाहता और कुछ बात भी करना चाहता हो, तो हो सके तो वीडियो लास्ट तक पूरा देखिए। तो मैं अभी आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ, पहले वो देख लीजिए, फिर बात करते हैं। तो ये जो मैसेज जो है मेरे एक दोस्त के पास आया है, उसने मेडिकल और फिजिकल दोनों क्वालिफाई कर चुका है, बस अभी उसका रिटर्न की बाकी है। तो उसके पास ये मैसेज आया है, तो ऊपर में मैंने कुछ चीज़ें मैंने ब्लू आउट करके रखा है क्योंकि उसमें कुछ प्रॉब्लम है। उसका नंबर भी मैंने ब्लू आउट करके रखा है क्योंकि मैं उसका नंबर अभी पब्लिक नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। और यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें मैं हटा के रखा है, वो भी मैं आप लोगों को वीडियो में बताऊंगा, आप लोग बने रहिए किस लिए मैंने उसको हटा के रखा है। तो बात यह है, यहाँ पर कुछ दिखाना चाहता हूँ, आपकी सिलेक्शन करवा सकता हूँ, ऊपर में लिखा हुआ है। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है 9 बजे उसका एक मैसेज आया है, मैं आपकी आर्मी GD में 100% सिलेक्शन करवा दूंगा। मेरे के बाद वहाँ पे कुछ ZRO का नाम लिखा हुआ है, तो मैं नहीं बता सकता। और मैं सब लोगों के साथ जान पहचान है, फीस लगने के बाद, इसका मतलब ये है कि जो फीस वगैरह जो होगा वो लगने के बाद देगा। तो मेरे हिसाब से अगर मुर्गा को फंसा रहा है पहले, अगर मुर्गा एक बार फंस गया तो मतलब पैसा पहले भी लेगा और बाद में भी लेगा, मतलब बाद में कौन देगा भाई, वो सिलेक्शन थोड़ी ना करवा सकता है। तो मुर्गा को फंसाना चाहता है। तो ठीक है, आप लोगों ने मैसेज देख लिया, तो अभी मैं आप लोगों को सब चीज़ बताता हूँ, वीडियो में बने रहिए। देखा आप लोगों ने, इसका मतलब है पहले मुर्गा को फंसाना चाहता है कि आपका सिलेक्शन करने के बाद आप मुझे फीस देना, जिसका मतलब मुर्गा को फंसाया जा रहा है। क्योंकि थोड़ी ना कर सकता, कौन नहीं है भाई, कौन है, बड़े बड़े अफसर के बेटे लोग भी नहीं लग पाते फौज में, उनका भी तैयारी करना पड़ता है, उनको भी मेहनत करना पड़ता है यार, ऐसा थोड़ी ना होता है। वो चाहता है पहले मुर्गा को फंसा लिया जाए अपने जाल में, उसके बाद उससे पहले ही मैं उससे थोड़ा कुछ पैसा हजम कर लूंगा और बाद में कहाँ मिलेगा, उसका मतलब वही था। तो ये ज्यादातर किन लोगों से होता है पता है, जो भाई पहली भर्ती दे चुके हैं या पहली भर्ती देना चाहते हैं। कुछ लोकल फ्रॉड भी होता है जो दूसरों से मिला हुआ रहता है, तो उनसे बात करता है, उनसे मिलजुल के वो फोन करता है, या उसको नंबर थोड़ी ना मिल जाएगा मेरे भाई, वो तो लोकल बंदे से मिलता होगा, तो नंबर वगैरह मिल जाता है, मैसेज डाल देते हैं। तो जो नया नया तैयारी करते हैं, नया नया पहले भर्ती दे चुके आते हैं, तो उनको लगता है यार मुझे कैसे भी करके फौज की भर्ती चाहिए, कुछ भी हो जाए, वो चाहता है कैसे भी करके मैं 2-4 लाख अरेंज कर लूंगा अपने पापा से बोल के, जमीन ज्यादा बेच के मुझे तो फौज की वर्दी चाहिए यार, कैसे भी करके मैं दे दूंगा, मुझे मिल जाएगा, बस यही सोचता है और पैसा बर्बाद हो जाता है। ऐसा बहुत सारे लोगों का हुआ भी है, मेरे तो काफी सारे पहचान के लोगों के साथ ऐसा हुआ भी है, मैं नहीं बता सकता, प्राइवेट रखता हूँ। लेकिन मैंने कुछ चीज हाइड करके इसीलिए रखा, ब्लू आउट करके मैसेज में इसीलिए रखा, उसका नंबर मैंने रखा कुछ प्रॉब्लम के लिए, मैं आप लोग बताऊंगा। और कुछ यहाँ पर सेंटर का भी नाम लिखा हुआ है, ERO का भी नाम लिखा हुआ है, रेजिमेंट का भी नाम लिखा हुआ है, तो मैंने वो सब चीजें हाइड करके रखा क्योंकि मैं ये सब चीज पब्लिक नहीं करना चाहता, मैं बदनाम नहीं कर सकता आर्मी का। जो दोस्त के पास ये मैसेज आया है मेरा, बहुत ही अच्छा एक दोस्त भी है, वो भी वीडियोस वगैरह बनाता है मेरी तरह, शायरी वगैरह बोलता है इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे भी। तो बंदा जो है जिसने ये मैसेज भेजा है, वो बंदा उस बंदे को जानता है, मेरे दोस्त को जानता है, तो अगर मेरे दोस्त को भी जानता है तो मुझे भी जानता होगा जरूर। अगर ये जानता भी होगा तो मेरा वीडियो जरूर देखेगा, अगर मेरा वीडियो देखेगा, अगर मैंने उसका नंबर पब्लिक कर दिया तो उसमें दिक्कत हो सकता है, तो मैं उसको वार्निंग देना चाहता हूँ, अगर मेरा वीडियो जरूर देखेगा, 100% से 90% मेरा वीडियो जरूर देखेगा और मेरे को भी जानता होगा ये बंदा, तो मैं उसको वीडियो में यही कहना चाहता हूँ कि देखो भाई तुम जो भी हो, कोई भी हो, मुझे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम ऐसा जो धंधा खुल के रखा है ना, उसको बंद कर दो जल्द से जल्द। अगर मेरी कमेंट में अगर तुम्हारा कोई चमचा आएगा, या तुम अगर मेरी कमेंट में उल्टा सीधा बात करोगी, या तुम्हारे कोई चमचा यहाँ पर ज्ञान बांटेगा ना, तो मैं ये नंबर पब्लिक कर दूंगा। तुम्हारा 3 नंबर है मेरे पास है, मैं नंबर पब्लिक कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पर फौज की भर्ती जो है ना बहुत मेहनत से मिलती है मेरे दोस्त, मेहनत से। अगर पैसा से मिलता होगा ना तो कब का मिल चुका होता, ये भर्ती सिर्फ मेहनत और मेहनत से मिलती। दोस्तों मैं गमल्टी बात नहीं कर रहा, आप लोग एक सच बात बता रहा हूँ, मेरे बहुत सारे ऐसे मेरे फौजी भाई की पहचान है, बहुत बड़े बड़े मतलब फौजी भाई है जो बहुत बड़े पोस्ट में भी थे, मैं नहीं बता सकता, उनके साथ भी मेरा रिलेशन है, उनके साथ भी मैं बहुत पहचान रखता हूँ, मैं उनके साथ भी बहुत बार मिल भी चुका हूँ। तो आज तक किसी ने भी मेरे को ये नहीं कहा कि तेरे को डायरेक्ट भर्ती करवा दूंगा, ये करवा दूंगा, आज तक किसी ने कहा भी नहीं। और मैंने एक दिन मजाक में कहा था कि सर ऐसा हो सकता है, उन्होंने कहा देखो देखो बेटा हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है, ये सब आपकी मेहनत के ऊपर है। तो हमारी तरह बहुत सारे ऐसे लड़के लोग आते हैं जो तैयारी करते हैं, फौज के लिए तैयारी कर सकते हैं, उनको भी मेहनत से ही मिलता है मेरे दोस्त, आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, आपको भी मेहनत से ही मिलेगा, ऐसा थोड़ी ना होता है, ये फौज की वर्दी ऐसे नहीं मिलता, मेहनत से मिलता है ये फौज की वर्दी, तो आप मेहनत करिए आपको मिलेगा। तो दोस्तों आप लोगों से मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, ये सब दिमाग से हटा दो कि पैसों से मुझे मिल जाएगा, ऐसा आपके पास बहुत सारा मैसेज आता भी होगा और आएगा भी जरूर, जो लोग नया नया लोग है उनके पास मैसेज जरूर आता है, मुझे पता है।
तो आप लोग इन सब चीजों से दूर रहिए, बच के रहिए इन सब चीजों से, और पैसा का बर्बाद ना करिए, मेहनत करिए, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। अगर तुम मेहनत करके अगर तुम्हें ये वर्दी मिलता है तो उसका भी अलग फील होगा कि भाई मैंने मेहनत किया उसकी वजह से मुझे ये वर्दी मिला है। अगर मान लो तुम्हें पैसे से मिल भी गया, समझो मिल भी गया, तो क्या फायदा है? तुम जिंदगी में क्या बोलोगे, यार मुझे तो पैसों से मिला है, मेहनत से थोड़ी ना मिला है मेरे को। तो यार थोड़ा दिमाग खुलाओ यार, और मुझे नहीं लगता कि फौज की वर्दी पैसों से मिलता होगा। मुझे तो 100% मुझे नहीं लगता कि फौज की वर्दी कभी पैसा से नहीं मिलता, कि जहाँ तक फौज की वर्दी पैसा से नहीं मिलता, वो सिर्फ मेहनत और मेहनत से मिलता है। तो अगर ये वीडियो मेरा देख रहा है जो बंदे ने मैसेज भेजा, जरूर देखेगा, मुझे यकीन है कि वो मुझे भी जानता है। तो जो अगर ये वीडियो देख रहा है तो भाई वार्निंग है इस वीडियो में, अगले बार वीडियो नहीं बनाऊंगा, डायरेक्ट मैं एक्शन लूंगा। आप लोग ये सोच रहे हो कि मैं वीडियो में बोलता रहता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, बहुत कुछ कर सकता हूँ मैं, और ये सिर्फ वार्निंग है, अगले बार मैं डायरेक्ट एक्शन लूंगा। आपके पास मेरा पास आपका नंबर वगैरह भी है, एक मैं कुछ बहुत कुछ कर सकता हूँ आपके साथ, लेकिन मैं नहीं करूंगा, ये वार्निंग आपके लिए। नेक्स्ट टाइम अगर आपका इस नंबर पे अगर कोई ऐसा मैसेज वगैरह आएगा या कॉल वगैरह आएगा, तो सीधा कोई वीडियो नहीं, कोई बातें नहीं, सीधा एक्शन लूंगा। आप चाहे कोई भी इंसान हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं डरता भी नहीं हूँ। डरते वो लोग हैं जो गलत काम करते हैं, हम सही करेंगे, हम डरेंगे नहीं। तो दोस्तों इन सब फ्रॉड से बच के रहो, अपने तैयारी करते रहो, मेहनत करते रहो, अपने तैयारी पे भरोसा करो, अपने तैयारी पे विश्वास करो। क्यों नहीं मिलेगा, एक दिन जरूर मिलेगी मेरे भाई, क्यों नहीं मिलता, सबको मिलता है, हमें भी मिलेगा, तुम्हें भी मिलेगा, बस मेहनत करते रहना है हम लोगों को, एक दिन जरूर मिल जाएगा मेरे भाई। तो इस वीडियो के लिए इतना काफी है, और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ऐसे दोस्तों को जरूर पहुंचाएगा जो पहली भर्ती देना चाहते हैं या पहली भर्ती क्लियर कर चुके होते हैं, तो उनके वीडियो जरूर पहुंचाएगा, क्योंकि क्या पता उनके साथ भी ऐसा हो सकता है। वीडियो को जरूर शेयर करेगा उन भाइयों के पास जो पहली भर्ती देना चाहते हैं, पहली भर्ती क्लियर कर चुके होते हैं, उनके पास जरूर पहुंचाना, क्या पता अच्छा काम हो सकता है। तो अच्छी चीज को शेयर करना भी बहुत जरूरी है मेरे भाई। तो अगले वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।